अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं आप सबको बताने लगा कि OBS से हम लोग कोई भी वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं विदाउट लैग। क्योंकि कुछ मैंने भी जब शुरू किया था ना, मैं वीडियो जब भी अपनी कोई भी बनाता था तो बीच में रुक रुक कर वीडियो रिकॉर्ड हुई होती थी, वीडियो बिल्कुल ठीक नहीं थी रिकॉर्ड हुई होती। तो मैं आज आप सबको वो लैग फिक्स करते हैं उसका, OBS का जो भी सीन है वो मैं आपको बताने लगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देख रहे हो, जो भी चैनल पर न्यू आ रहा है लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लाजमी कर लेना, ताकि जो भी न्यू अपडेट है आपको मिल सके। तो चलिए, सबसे पहले आपने अपना OBS ओपन कर लेना, जहाँ पर भी आपका पड़ा हुआ है। आपका उसको इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपने सबसे पहले इधर सीन बनाना है। सीन अगर आपका पहले सीन वन बना हुआ है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद ये जो सोर्स है, असल चीज़ दिया है आपने, इसके बाद इसको ऐड करना है। ऐड पे जाना, डिस्प्ले कैप्चर, ओके। और यहाँ से इसको ऑटोमेटिक बजाय विंडो 10 पे कर लिया अगर आपका नहीं आ रहा तो, वैसे आ जाएगा ये होप से। लेकिन अगर नहीं आया तो आपने इसको इस तरह करके ये आ जाएगा, जैसे कि डिस्प्ले कैप्चर। अभी मेरी ये स्क्रीन रेजोल्यूशन 1024x768 है, लेकिन मैंने 1980 या 1280 की है पीछे, इस वजह से इस तरह आ रहा है। क्योंकि मैं अपनी 720p में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, इस वजह से ये पूरा नहीं आ रहा, लेकिन आपका पूरा आएगा। आपने सेटिंग्स में जाना है पहले, तो सेटिंग्स में आप जैसे ही जाएंगे, तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपने सबसे पहले जाना है आउटपुट में। आउटपुट में आप ये होगा सिंपल में, इधर सिंपल होगा, आपने सबसे पहले उसको करना है। एडवांस में जाना है पहले, तो पहले एडवांस में जाने के बाद ये स्ट्रीमिंग, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि हम लोग स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं HD वगैरह में। आपने रिकॉर्डिंग में जाना है पहले, रिकॉर्डिंग में जाने के बाद आपने सबसे पहले इसको, ये जो असल चीज़ है, ये आपने पहले इसको टाइप स्टैंडर्ड पर करना है। और उसके बाद आपने जिधर भी आप अपनी वीडियो को सेव करना चाहते हैं, जो रिकॉर्ड करेंगे तो आप वो अपने लोकेशन दे सकते हैं। उसके बाद आपने जो इनकाउंडर है इसको ना, अगर आपके पास ग्राफिक कार्ड है तो ये खुद ही ये शो कर देगा, और अगर नहीं होते ये क्विक सिंग H2, ये जो आपके इंटेल HD ग्राफिक जो प्रोसेसर के अपने ग्राफिक्स होते हैं, ये होता है। ये रीस्केल आउटपुट बेशक आप ऑफ कर दें, क्योंकि हम लोगों ने रेजोल्यूशन तो वीडियो में सेलेक्ट करनी है, इधर बेशक आप रहने इसको ना करें। उसके बाद जो रेट कंट्रोल है इसको CVR कर दें, बस वही करना जो मैं कह रहा हूँ, बाकी कुछ भी नहीं छेड़ना। और ये जो बिट रेट है, बिट रेट अगर आपका हाई एंड पीस है तो आप इसको 30,000 बिट रेट भी कर सकते हैं, 25,000। लेकिन अगर आपका लो एंड है तो इसको 12,000 कर, क्योंकि मैं कभी कभी इसमें जब मेरी काफ़ी लैग हो रही होगी तो मैं इसको 12,000 कर देता हूँ। इसमें भी बिट रेट का बस ये होता है कि क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन ठीक आती है क्वालिटी, टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो मैं जैसे कि 20 रख देता, मैंने 20 कर दिया। उसके बाद ये जो क्वालिटी है ना प्रीसेट, इसमें ना आप जो सबसे ऊपर होगा ना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है वीडियो की, तो इसको मैक्स क्वालिटी या क्वालिटी आ रहा होगा आपका, आपने उसको कर देना। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ी सी क्वालिटी कम है, मुझे गेम में अच्छे ज़्यादा चाहिए रिकॉर्डिंग है, तो आपको परफॉर्मेंस या मैक्स परफॉर्मेंस वगैरह कर देंगे, तो इससे और कम होती जाएगी, मतलब कि क्वालिटी कम होती जाएगी, लेकिन आपके गेम में FPS वगैरह हाई होते जाएंगे। पर जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे चीज़, अगर आपको लैग फील हो रहा है तो जैसे ही आप ये कर लेंगे, उसके बाद आपने जाना वीडियो में। अब असल चीज़ ये होती है कि आपने जो एस्पेक्ट रेशियो, जो आपका अपना स्क्रीन का रेशियो, वो पहले इधर सेलेक्ट होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मैं 1080 में करनी है वीडियो रिकॉर्ड या 720 में, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कॉमन, इसके बाद ये जो डाउन स्केल फिल्टर है, इसमें जो असल चीज़ है ना, जहाँ से आपकी स्ट्रीम लैग होती है, ये जो ये है ना, इसको आपने चुप करके ना, इसको VQubic होगा, इसको VQubic भी होगा, इसको ये नहीं करना, इसको बिलीनियर फास्ट बट ब्लरी स्केलिंग इस पर कर देना, ताकि आप जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं वो अटके ना बीच में। और जो FPS है ना, इसको 30 FPS पर रखे हैं, अगर आपकी वीडियो लैग हो। लेकिन अगर अच्छा है आपके पास PC है, i5 बोर्ड या मुझसे भी अच्छे PC है जिसके पास, तो वो 60 FPS पर रखे आराम से हो जाती है। लेकिन मैं खुद स्ट्रीमिंग के लिए वैसे 30 FPS इस्तेमाल करता हूँ अभी भी। और जो आखिरी रह गया एडवांस में, ये जो प्रोसेस प्रायोरिटी है इसको होगा, ये नॉर्मल पे होगा, इस बाई डिफॉल्ट नॉर्मल पे होगा। आपको इसने आपने इसको अबव नॉर्मल पे करके, उसके बाद यहाँ पे आ रहा होगा अप्लाई, ओके। क्योंकि मेरी पहले सेटिंग है तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए इसलिए मैं अप्लाई नहीं कर, लेकिन आप अप्लाई करके ओके कर देना। और उसके बाद आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो आप देखेंगे कि बिल्कुल लैग नहीं होगी, आपकी वीडियो बिल्कुल ठीक बनेगी। और एक और सेटिंग रह गया, ऑडियो में जाके ना आपने सिर्फ एक माइक्रोफोन जो यूज़ करना है, जैसा कि इस पर अपना माइक्रोफोन यहाँ से दे देना, वैसे डिफ़ॉल्ट भी वो खुद उठा लेगा, लेकिन अगर ना हुआ तो आप ज़रूर दें। और बाकी जितने भी सबको डिसेबल या खुद बहुत हो, अगर गलती से डिफ़ॉल्ट हो जाता तो उसको डिसेबल लाजमी कर दें। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर देना, बेल आइकन ऑल पे कर देना। और अगर और भी किसी रिकॉर्डर पे चाहिए, बैंडीकैम वगैरह कोई किसी भी रिकॉर्डर पे चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं अगली वीडियोस पे बनाने की कोशिश करूँगा। फिर ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और डिस्कॉर्ड की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं।